गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज सुजीत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रनिशिंग फूड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, सुरक्षित हैं? तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक स्वीट रेसिपी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। तो जनरली आप लोगों ने जो गुलाब जामुन खाया होगा मार्केट में, वो बनती है खोए से, लेकिन आज हम इसे बनाएंगे ब्रेड से। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको इस रेसिपी के सही इंग्रेडिएंट्स मालूम पड़ सकें। तो आइए आप बिना लेट किए बनाते हैं गुलाब जामुन। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हिट कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। तो हम यहाँ पे गुलाब जामुन को दो पार्ट्स में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी चाशनी। तो यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा लिया है और उसमें मैंने ऐड किया है हाफ बाउल चीनी और साथ में ही ऐड करूँगा मैं 1.5 बाउल के करीब पानी। तो जितनी चीनी लोगे आप उसका डबल आपने पानी लेना है। तो ये देखिए 1.5 बाउल के करीब पानी ऐड कर दिया मैंने और अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे 1 उबाल आने तक पकाएंगे। तो यहाँ पे तार वार का चक्कर नहीं है, आपको सिर्फ 1 उबाल आने तक इसे पकाना है। और साथ में ही मैंने ऐड कर दिया है 2 से 3 थ्रेड केसर के। तो अगर आपके पास केसर है तो ये कलर के लिए होता है, तो बहुत अच्छा कलर आता है इसे, तो उसे ऐड करें ज़रूर। और अब इसे 1 उबाल आने तक पका लें। तो जब तक हमारी चाशनी तैयार होती है, आइए हम गुलाब जामुन का डो तैयार कर लें। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 8 ब्रेड स्लाइसेस। तो यहाँ पे मैंने आटा ब्रेड का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो वाइट ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब हम इसे तोड़ लेंगे। तो आप चाहे तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसे तोड़ के ही बनाऊँगा। तो ये देखिए, इसी तरह हम सारे स्लाइसेस को तोड़ लेंगे। तो ये देखिए, अब हमने तोड़ लिया है। और ये इसका डो तैयार करने के लिए सबसे पहले इसमें ऐड कर देंगे हम दूध। तो यहाँ पर मैंने फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल किया है। तो करीबन 2 टेबल स्पून दूध ऐड करेंगे हम ताकि ये अच्छा सा डो तैयार हो जाए। इसका सॉफ्ट डो चाहिए हमें, तो इसे अच्छे से गूंद लें। ये देखिए इस तरह से। और दूध को अलग अलग पार्ट्स में ऐड करें, एक साथ ऐड करोगे तो आपका डो गीला हो सकता है। तो देखिए अलग अलग पार्ट्स में ऐड करेंगे हम इसे और इसे अच्छे से गूंद लेंगे। तो ये देखिए डो तैयार है। तो ये थोड़ा हार्ड है अभी, तो इसमें हल्का सा दूध और ऐड कर देंगे हम ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, अब इसे फिर से एक बार अच्छे से गूंद लें। तो ये देखिए अब डो हमारा तैयार है। तो आइए अब इसके इक्वल शेप्स के बॉल्स बना लेंगे हम। तो फिलहाल यहाँ पे हमारी चाशनी में उबाल आ चुका है, 1 उबाल चाहिए था हमें। तो अब इसमें हल्का सा वनीला एसेंस ऐड कर दें और गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। तो वनीला एसेंस अगर आपके पास नहीं है तो आप कार्डमम पाउडर, इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये फ्लेवर के लिए होता है ताकि चाशनी में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो अब जब हमारी चाशनी तैयार है तो आइए अब हम गुलाब जामुन के बॉल्स बना लें और उसको फ्राई करें। तो ये देखिए मैंने हल्का सा पोर्शन तोड़ लिया, आपको जितना बड़ा चाहिए उस हिसाब से आप पोर्शन तोड़ लें और इसे रोल कर लें। ये देखिए इस तरह से। और अब इसमें हल्का सा इसे प्रेस कर दें सेंटर से, क्योंकि इसमें हम फिलिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं पिस्ता डाल रहा हूँ, हल्का सा पिस्ता और 4 से 5 दाने चीनी के। तो चीनी के दाने हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जो अंदर का पार्ट है गुलाब जामुन का वो सॉफ्ट रहे, वो हार्ड ना हो। तो इसलिए 4 से 5 दाने चीनी के ऐड कर दें आप और इसे आप बंद करके फिर से रोल कर दें। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और इसी तरह से हम बाकी के बॉल्स को भी इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए अब हमारे गुलाब जामुन के बॉल्स तैयार हैं फ्राई करने के लिए। तो चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे तेल चढ़ा लिया है। तो इसे मैंने मीडियम हीट पे गरम कर लिया है। तो इसके गरम होने के बाद ही हम गुलाब जामुन डालेंगे, क्योंकि अगर आप ठंडे तेल में या कम गरम तेल में गुलाब जामुन डालते हो, बॉल्स डालते हो, तो वो फट जाएंगे। तो ये देखिए अब ये मैंने गुलाब जामुन डाल दिए हैं और यहाँ पर जो फ्लेम है मैंने लो टू मीडियम रखा है। अब इसे अच्छे से दोनों तरफ से चला लेंगे ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो हमें गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए जो गुलाब जामुन का होता है। तो ये देखिए इसे चलाते रहें बीच बीच में। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। तो इसे बीच बीच में चलाते रहें ताकि आपके गुलाब जामुन हर एक तरफ से इक्वली फ्राई हो सकें। तो ये देखिए अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन कलर भी आ चुका है। तो अब इसे हम किचन टॉवल पे निकाल लेंगे ताकि इसमें जो भी एक्सेस ऑयल है वो अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए। तो तैयार है आपके गुलाब जामुन अब चाशनी में जाने को। तो आइए अब देर किस बात की, इसे डालते हैं चाशनी में। तो चाशनी में डालने से पहले इस बात का ख्याल रखें कि आपके गुलाब जामुन का टेम्परेचर गर्म होना चाहिए, हॉट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्हें ठंडा करके डालते हो या रूम टेम्परेचर पर डालते हो तो ये ठीक से चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और बीच बीच में ये ड्राई रह जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने चाशनी को लो फ्लेम पे रखा है और इसे एक उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे ताकि ये अच्छे से चाशनी एब्जॉर्ब कर पाएँ। तो ये देखिए जैसे जैसे ये चाशनी एब्जॉर्ब कर रहे हैं इनका साइज़ बड़ा होता जा रहा है। तो ये देखिए उबाल आ चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे आधे घंटे के लिए ठंडा कर लेंगे और उसके बाद सर्व करेंगे। तो ये लीजिए अब तैयार है हमारे चाशनी में डूबे हुए गुलाब जामुन, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी बने हैं क्योंकि मैंने खा के देख लिया। तो इस रेसिपी को घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।